हम कुछ पॉलिटिकल स्पोक्स पर्सन के भी इस मसले पर रिएक्शन लेंगे। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर हितेश वाजपेयी और साथ ही साथ अभय दुबे जी, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए। पॉलिटिकल स्पोक्स पर्सन के हम जरूर रिएक्शन लेंगे, लेकिन उसके पहले हमारे साथ डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी जी फोन लाइन पर जुड़ गए, जो कि साइकियाट्रिस्ट हैं। सत्यकांत जी, सबसे पहला सवाल मैं आप ही से लूंगा, उसके बाद अन्य मेहमानों के पास जाऊंगा। बड़ा सीधा सा मेरा सवाल है कि लॉकडाउन चौथा चरण तो अब खत्म होने वाला है, लेकिन पांचवें चरण को लेकर हम देख रहे हैं कि इस वक्त एशिया में सबसे ज्यादा केस भारत में है और भारत अब दुनिया में नौवें पायदान पर आ गया सबसे संक्रमित केसों में। जरूरी या मजबूरी पांचवा चरण? देखिए दीपक, सबसे बड़ी बात यह है कि लॉकडाउन का जो बेसिक पर्पज होना चाहिए या होना चाहिए था, वो ये था कि हम इस जागरूकता को समझें, जो कोरोना के प्रति जो जागरूकता है वो समाज में आए और लोग इसके साथ में जीना सीखें। जैसा कि मैंने पहले भी अपने स्टेटमेंट्स में कहा है कि ये बीमारी की दुनिया में एक नया मेहमान है, या आज या कल या लॉकडाउन इसका इलाज नहीं है। लॉकडाउन से सिर्फ हम जागरूकता ला सकते हैं, उचित संसाधन बना सकते हैं, उचित हॉस्पिटल्स रेडी कर सकते हैं, जो विस्थापन है मजदूरों का या जो भी दूसरे राज्यों में काम कर रहे हैं वो लोग आ सकते हैं, लेकिन हम लॉकडाउन को हमेशा के लिए कंटिन्यू नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी वजह से बेरोजगारी और जो आर्थिक समस्याएं हैं वो बढ़ेंगी, मेंटल हेल्थ की समस्याएं बढ़ती चली जाएंगी और कहीं ना कहीं एक दूसरी दिशा में ही चीजें जाती हुई दिखाई देंगी। तो हमें एक्सेप्ट करते हुए बढ़ना पड़ेगा और लॉकडाउन की जो जरूरत, अगर हम देखें मूल में जाएं, तो ये कहीं ना कहीं हमारे विवेक पर निर्भर करता है। अगर हम सजग हो जाएं, अगर हम अपनी जिम्मेदारियां अच्छे से निभाएं, शासन के जो रूल्स हैं उनको फॉलो करें और उसमें अपना एक ड्यूटी को समझे कि नहीं ये हमें करना ही चाहिए अपने लिए, अपने परिवार के लिए, तो मुझे लगता है लॉकडाउन की जरूरत विशेष तौर से नहीं पड़ेगी। क्योंकि आप देखिए कि और जो बढ़ती हुई संख्या की बात कर रहे हैं दीपक, ये एक दृष्टि से देखें तो ये अच्छी बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं बढ़ते हुए जो नंबर्स हैं वो एक अच्छी रिपोर्टिंग या जो टेस्टिंग बढ़ी है ये कैपेसिटी को भी डिनोट कर रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि लगभग 80% लोग दीपक एसिम्टोमेटिक हैं और अगर हमारा डिटेक्शन रेट बढ़ता चला जाएगा तो वो अच्छा है। जितना जल्दी हमें एक एग्जैक्ट नंबर मिल जाएगा तो हमें कंट्रोल करना, चीजों को क्वारंटाइन करना, आइसोलेट करना उन लोगों को, ताकि गंभीर लक्षण नहीं आए या ऐसे लोग जो रिस्क में है उनमें ये नहीं जाए, उसके लिए टेस्टिंग बहुत जरूरी है। तो बढ़ता हुआ नंबर अगर हम दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो ये कहीं ना कहीं उचित है, यानी हमें